तो और गेमर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। कुछ टाइम बाद फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हेलो नेबर को। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग जो है बेसमेंट से निकल चुके थे और निकलने के बाद हम लोग देख रहे थे कि उस नेबर ने पूरे घर को कवर कर दिया था एक रात में। पता नहीं उसने अकेले किया कैसे। तो आज हम लोग जो है एक्ट टू से फिर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस गेम को बहुत ज़्यादा खेल के मेस्ट अप कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने गेम को छोड़ा था पिछले वाले एपिसोड में। एक अजीब बात है, पता नहीं इतनी जल्दी इस नेवर ने इस घर को पूरा कवर कैसे कर दिया। एक बात हो सकता है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई हेल्प करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ये अकेले ही हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। सबसे पहले हम लोग एक खिड़की को तोड़ते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए हमसे, नहीं खिड़की से। ओ माई गॉड, खिड़की तोड़ने से पहले ही वो हमारे पीछे पड़ चुका है। अब हमें इससे पीछे छुड़वाना पड़ेगा। ये बहुत ही एनोइंग है ये जब मेरे पीछे पड़ता है। अभी मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इस घर में पानी का प्रेशर है, हम लोगों को जो है उस पानी के प्रेशर को ड्रेन करना पड़ेगा ताकि हम लोग गेट को खोल सके। इस एक्ट टू में बहुत सारे एस्केप्स हैं। हम लोग सबसे आसान एस्केप या ट्रैम्पोलिन एस्केप को करने जा रहे हैं। उसे करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मैंने उसे कभी किया नहीं, मैं करने गया था पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वहाँ पर जो एक स्विच था उसे मैंने ऑन कर दिया, एक पाइप से पानी का प्रेशर कम हो गया या बढ़ गया मुझे नहीं पता। फिर भी यहाँ पर भी कहीं पर मिलना चाहिए। तो इस दरवाजे को सबसे पहले हम लोग बंद करते हैं। इस फ्रिज के अंदर एक रेंच मिलेगा जिसे हम लोग ले लेते हैं। इसका एक ही काम है, एक नट को खोलने के लिए। तो आप देखते हैं नेवर कहाँ पर है। मुझे एक्चुअली पता नहीं वो कहाँ पर गया, वो मुझे फॉलो कर रहा था। आई थिंक कि वो कहीं पर बाहर घूम रहा है। यहाँ पर एक और स्विच है जिसे हम लोगों को टर्न ऑन करना पड़ेगा, देन हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे। दरवाजे को बंद करते हैं। अब देखते हैं कब वो नेवर कहाँ पर है। देखा, ये आएगा, मुझे पता था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा साउंड क्रिएट किया था। ये बहुत ही ज़्यादा साउंड से सेंसिटिव है ग्रैनी की तरह। ये पर आके चला जा चुका है। अब बस हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा। हम लोग ट्राई करेंगे एक बार भी नेबर के हाथों ना मरने का। और जो है फिर से मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसके पीछे एक रीज़न था। एक सेकेंड, मेरे सामने का खिड़की साइड टूटा हुआ ही है, मुझे तोड़ने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम लोग बच गए। पता नहीं वो खिड़की टूटा कैसे, पर फिर भी हम लोग निकल चुके हैं। अगर वो खिड़की नहीं टूटा होता तो हमें रेंच फेंकना पड़ता, जिससे हमें रेंच नहीं मिलता। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर पानी का एक प्रेशर वॉल्व है जिसे लगाने के लिए हमें रेड कलर का एक व्हील चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पर आया हूँ नेबर से बचने के लिए। तब तक हम लोग जो है इसे ऑन कर देते हैं। आई डोंट थिंक इससे कुछ काम होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है एक व्हील से पानी के प्रेशर को कम करना पड़ेगा, देन हम लोग इसे ऑन कर सकते हैं। नेबर जो है बिल्कुल मेरे बाहर है, इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अब जो है हम लोग बाहर जा सकते हैं। आई होप कि वो बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ना निकले। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर है। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर कहीं पर है, पर उसके फुटस्टेप्स मुझे आ रहे हैं। एक एक करके हमें सारे लीवर्स को ऑन करना पड़ेगा, देन हमारा जो है पानी का प्रेशर फुल हो जाएगा, जिससे एक वॉल्व जो है निकल आएगा। बस देखते रहिए, एक एक करके हमें सारे काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्ट टू को हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं अगर हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। मुझे एक्चुअली पता नहीं मुझे कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम से ट्राई किया पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पर एक और है, मतलब स्विच है, जिस स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं जिससे पानी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर एक लीवर जो है निकल जाएगा उस जगह से। उस रेड कलर के लीवर से हमें बहुत काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने इस गेम को यहाँ पर ही खेला था, देन इसके बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर, मतलब 5-6 ऐसे जगह होंगे जहाँ पर मुझे पानी का प्रेशर ड्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें एक बॉक्स ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग थोड़ा सा और ऊपर चढ़ सके। बॉक्स यहाँ पर कहीं पर मिलते थे, आप मुझे मिल नहीं रहे। देखते हैं यहाँ पर कहीं पर मिल जाने चाहिए। हम लोग ट्रैम्पोलिन एस्केप करने वाले हैं, इसके लिए बॉक्स और चेयर बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं, मुझे जीता पता है। अब बस हमें इसे ऊपर जाके प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करने के बाद हम लोग एक जगह में वॉल्व को टर्न ऑन कर पाएंगे। ये सबसे मुश्किल जगह है वॉल्व को टर्न ऑन करने का, मतलब टोटल 5-6 वॉल्व्स है जिसे हमें घुमाना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल वाला है, तो हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा ताकि हम लोग गिर ना जाए। गिरने से हम लोग इस गेम में मर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मैं गिर के मर गया। जैसे हम लोग ने एक नया एक्ट टू को शुरू किया है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट। ये अगर मैंने कुछ नया नहीं किया, हमें एक एक करके सारे काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं जो है बेबीज नाइटमेयर सर्कस को खेलूंगा। अभी मेरे पास टाइम का बहुत कमी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया, आपको पता होगा। बस हमें इस पानी को ड्रेन करना पड़ेगा। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक पानी ड्रेन नहीं हो जाता, आई थिंक सो, या हमें कुछ और करना है मुझे नहीं पता। पानी अभी भी ड्रेन हो रहा था, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। मुझे नहीं पता कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा। अब बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि मुझे नेवर का डर है। आई थिंक कि काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस रेट वॉल्व को लेके जा सकते हैं इस जगह से। इसे ले जाने के बाद हमें बहुत सारा काम करना है। अभी बस ये गेम यहाँ पर से शुरू हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही अजीब बात है इस गेम की स्टोरी के अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता ये नेबर छुपाना क्या चाहता है। इसके बेसमेंट में बहुत बड़ा जगह था, पर मुझे कोई मिस्टीरियस मतलब इंसान नहीं मिला। बहुत सारा अजीब अजीब से मैनिक्विंस थे जिसे हम लोगों ने देखा होगा, पर ये पता नहीं छुपाना क्यों चाहता है इन सबको। और इसने मुझे कैद करके रखा है इस घर के अंदर। पर सबसे अजीब बात है, इसने इतना बड़ा काम किया कैसे एक रात में। आई थिंक
अभी बस हम लोगों को इस घर से निकलना पड़ेगा और निकलने के बाद हम लोग ज़िंदगी में इस घर में कभी आने वाले हैं नहीं। एक्चुअली मैं अगर इसकी जगह में होता तो मैं ये नेबरहुड छोड़ के ही चला जाता, क्योंकि ये इतना डेंजरस नेबर के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। बस हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा कुछ भी करके, एक एक करके। मतलब हम लोग इसके पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसके में पजल्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मैंने देखे है। अब बस हमें इस नेबर को घुमाना पड़ेगा। ये शायद हमारा थर्ड वन था, मतलब थर्ड वाला था, अभी और 2 दिन बाकी है। एक एक करके हम लोगों को सारे काम को कम्प्लीट करना पड़ेगा। नेबर शायद मेरे नीचे बिल्कुल घूम रहा है, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं नेबर के हाथ पकड़ा जाता हूँ तो डार्कनेस आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम और स्पेंड हो जाएगा। ये जो लाइट है ये लाइट कम हो जाएगा। ओ नो, इसने मुझे देख लिया। हम लोग इसे स्टन कर देते हैं, ठीक है। इससे एक्चुअली पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल है। मैं जो है अभी उस लैडर से ऊपर आ चुका हूँ, आई थिंक ये भी ऊपर आने वाला है। मैंने जो स्टन किया था वो 1-2 सेकंड के लिए स्टन हुआ था, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर का पानी मैंने ड्रेन कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले। तो ऊपर जो है एक शार्क रखा था इसने, टॉय शार्क जो भी शायद है, मतलब वो मुझे मार सकता है आई थिंक। इस पानी को ड्रेन करने की वजह से ये बड़ा कुछ नहीं है, अब बस हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। इस दरवाजे को खोलने के बाद हम लोग जो है एक और पार्ट में जा सकते हैं इस बिल्डिंग के। आई डोंट थिंक कि नेबर यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि आने में उसे बहुत टाइम लगेगा। वो अगर वो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग नहीं सकता और इतनी जल्दी चढ़ नहीं सकता। सबसे अच्छी बात यही है, मैं 1-2 बॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, शायद काम आ जाए, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी आया नहीं हूँ। लैडर से हमें थोड़ा सा सोच समझ के उतरना पड़ेगा। हम लोग नीचे आ चुके हैं इस बिल्डिंग के एक और पार्ट में। कुछ मतलब एक्ट वन में हम लोग इस पार्ट में आए थे, पर ये पार्ट पूरा चेंज हो चुका है इस घर का। अकेले ने इसने चेंज कर दिया पूरे पार्ट को। अब बस हमें दरवाजे से निकलना पड़ेगा। एक बहुत ही एनोइंग चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे हाथ में कोई आइटम होता है तो मैं दरवाजे को खोल नहीं पाता। मेरे मतलब हाथ खाली होना चाहिए, तब मैं दरवाजे को खोल पाऊंगा। देखने लायक बात है नेबर है कहाँ पर, क्योंकि मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे हैं घर के अंदर से। अगर वो घास से चलता, घास का फुटस्टेप्स आता, मुझे नहीं पता ये अपन नेबर आ सकता है या नहीं। मेरे सामने एक बहुत बड़ा जनरेटर टाइप का मशीन है, यह बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। पर इतनी जल्दी काम कैसे खत्म होने वाला है? तो हम लोग जो इस लीवर को टर्न ऑन करते हैं, सबसे पहले हाथ को खाली करना पड़ेगा, देन हम लोग लीवर को घुमाएंगे। यह बड़े गियर टाइप का मशीन है, इसे हम लोग ऑन कर देते हैं और इस लीवर को हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। राइट, तो हम लोग जो है उस घर से बाहर आ चुके हैं। मैंने जो है स्टार्टिंग का जो वॉल्व है उसे नहीं घुमाया था, मुझे याद आ गया। तभी मैं सोचूं ये गेट खुला क्यों नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं और क्या क्या मैं मिस कर रहा हूँ। ये पर जो हमें इसे लगाना पड़ेगा, लगा के घुमाना पड़ेगा। ये जो प्रेशर है ये फिर से कम हो चुका है और नेबर बिल्कुल साइड में घूम रहा है, आप लोगों को साउंड आ रहा होगा। अब बस वेट करना पड़ेगा कब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता। मैं देख के आ चुका हूँ, वो गेट अभी तक नहीं खुला और नेबर जा चुका है यहाँ से। मुझे एक बार देखना पड़ेगा मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। ये गलती समझना बहुत ही मुश्किल है, जैसे पजल गेम है कोई। तो हमें देख ओके, तो ये प्रेशर कम हो चुका था, तभी मैं सोचूं काम क्यों नहीं कर रहा। मुझे जो है इस गेम को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया पर वो गेट अभी तक नहीं खुला, ट्रैम्पोलिन का गेट जो है। अगर वो गेट खुल जाता है तो निकलने में 1-2 मिनट ही लगेंगे, हम लोगों को कूद के निकलना पड़ेगा। पर वो गेट खुल ही नहीं रहा, तो हम लोग शायद किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, जो कि मुझे देखना पड़ेगा। ये बहुत ही अलग टाइप का गेम है, मतलब हम लोग अगर एक भी चीज़ को मिस करते हैं तो इसका कुछ काम होने वाला है नहीं। मैं शायद स्टेप को गलत कर रहा हूँ, मुझे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन बल्ब्स को घुमाना था। मैंने मतलब सेकंड को फर्स्ट में कर दिया, फर्स्ट को सेकंड में कर दिया। अगर ये है तो बहुत दिक्कत की बात है। ये पर जो है शार्क का मशीन टूटा पड़ा है, मुझे नहीं पता मुझे ये पर करना क्या पड़ेगा। ये पर कुछ मिल भी सकता है, देखते हैं कहीं पर कुछ मिलता है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर पहले पानी था, मुझे शायद पानी को फिर से भरना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन से शायद हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मुझे शायद उस शार्क के मशीन को ले जाना चाहिए अपने साथ। एक सेकंड, यहाँ पर एक शवल है, तभी मैं सोचूं कुछ मिल क्यों नहीं रहा। यहाँ पर मुझे जो एक शवल मिल चुका है, नीचे एक मिट्टी था जो कि हम लोग शायद खोद सकते हैं। और इस शार्क का मशीन बिल्कुल मेरे साथ है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो इसे शायद मुझे फेंक देना चाहिए, शायद इससे भी कुछ काम मिल जाएगा। और ये जो ब्लू की है ये मुझे मिला था नीचे वाले रूम में, इससे कुछ खास काम आया नहीं। बस हम लोगों ने एक दरवाजे को अनलॉक कर दिया जो कि पहले से अनलॉक था, मतलब नेबर के मेन गेट को, जहाँ पर हम लोग घर के अंदर आ सकते हैं। तो अगर मैं इस शार्क को यहाँ पर नीचे कहीं पर रखता हूँ तो शायद शोर होगा, जिससे ये नेबर आ जाएगा। मुझे इसे एक ऐसे जगह में रखना पड़ेगा ताकि कोई ना आए, मतलब नेबर को पता ना चले मैंने इसे कहाँ पर रखा है। ओके, तो बहुत ही इंटेंस म्यूजिक बजना शुरू हो गया, इसका मतलब जो है नेबर बिल्कुल मेरे पास है। एक सेकेंड, ये सो रहा है आई थिंक, क्योंकि ये खड़ाटे लेने के साउंड आ रहे हैं। अगर ये सो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो है डायरेक्टली भाग सकते हैं। इस दरवाजे की मैं बात कर रहा था, हम लोगों ने जो है इस दरवाजे को अनलॉक कर दिया था उस ब्लू की से। इस वो जो ब्लू की था वो दरवाजे पे लटक रहा था, मैंने देखा नहीं था। अब बस हमें मिट्टी को खोदना पड़ेगा, देखते हैं मिट्टी के अंदर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जो है पानी का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब बस थोड़ा सा और किसी तरह का काम रह रहा होगा। ओके, यहाँ पर एक कॉफिन टाइप का कुछ है। ओ माय गॉड, एक मिस्टीरियस चीज़ मिला सबसे पहली बार। और इस कॉफिन के अंदर एक की है, मुझे लगा था कोई स्केलेटन वगैरह मिलेगा, जिससे शायद हम लोग थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं स्टोरी के।
एनीवेज तो हमें एक की मिल चुका है, मुझे नहीं पता इस की से हमें करना क्या पड़ेगा। ऊपर सारा बहुत सारे दरवाजे लॉक थे, हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैम्पोलिन के पास कोई की वाला डोर तो है नहीं। हमें बस एक मोटर को टर्न करना पड़ेगा, देन शायद वो ट्रैम्पोलिन का गेट ओपन हो जाएगा। तो की का सिस्टम शायद ऊपर ही कहीं पर मिलेगा क्योंकि नीचे के सारे रूम्स को मैंने अनलॉक जो है कर लिए है। अब बस हमें देखना पड़ेगा लकली कुछ काम कर जाए की, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर ये की काम नहीं करता तो इसका एक ही मतलब होगा कि मैंने मतलब गलती किया है उन बल्ब्स को घुमाने में। एक बार एक घुमाना पड़ेगा, एक सेकेंड। यहाँ पर एक और की है, मैं अंधा हूँ मुझे लगता है। इन लोगों ने की को ऐसे लटका के रखा है, कुछ दिखता भी नहीं। इससे क्या हम लोग किसी और चीज़ को अनलॉक कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता हम लोग इस की से क्या अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे एक दो दरवाजे जो है लॉक थे। इस दरवाजे को सबसे पहले हम लोग बंद करते हैं, देखते हैं हम लोगों के घर के अंदर एक और छोटा सा घर है, पर पता नहीं मुझे इसके अंदर मिलेगा क्या। तो ठीक है, हम लोगों ने इसे खोल दिया। इसके अंदर एक दो दरवाजे है जिसे शायद मुझे खोलना पड़ेगा। यस, मैंने एक दरवाजे को खोल दिया, उसके सामने एक जनरेटर था। देखते हैं कौन सा दरवाज़ा खुला है, हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा मैंने किस दरवाजे को अभी अभी खोला। तो हमारे सामने एक दरवाज़ा था, आई थिंक हाँ ये खुल चुका है। इस दरवाजे को हम लोगों ने खोल दिया, इसके अंदर एक और हिडन था, इसे हम लोगों ने ऑन कर दिया। आप देखते हैं सबसे अजीब बात है, अभी तक ये गेट नहीं खुला। मुझे नहीं पता मैंने कहां पर क्या गलती कर दिया क्योंकि इस घर के सारे दरवाजे जो है अनलॉक्ड है। एक सेकंड, या एक दरवाज़ा अनलॉक नहीं था आई थिंक, या फिर मुझे इसे खोलना पड़ेगा। इसे पहले हम लोग एक बार खींच के देखते हैं कुछ होता है या नहीं, शायद गेट ऊपर उठ जाए क्योंकि मैंने शायद इस घर के सारे दरवाजे को अनलॉक किया था, एक दरवाजे को छोड़ के जो कि बेसमेंट में ले जाता है। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं, ये दरवाज़ा अनलॉक्ड हो चुका है। शायद हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा या कुछ और। मैंने इस रूम को टोटली मिस कर दिया इस गेम में, पता नहीं कैसे, क्योंकि खिड़की इस जगह को कवर कर रहे थे। या वह कुछ है पर मुझे नहीं पता इनसे करना क्या पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे शायद पानी को चला के रखना पड़ेगा ताकि पानी का प्रेशर कम हो जाए। अब देखते हैं कुछ होता है या नहीं, क्योंकि मैंने जो है सारा काम कंप्लीट कर दिया इस घर में। अब बस हमें दो तीन बॉक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दरवाज़ा जो है खुल चुका है। मैंने जो इस बाथरूम के प्रेशर को ऑन नहीं किया था जिससे वो दरवाज़ा नहीं खुला था, मतलब मुझे सारे पानी को ड्रेन करना पड़ेगा जिससे ये जो है दरवाज़ा लॉक्ड है। मतलब 6-7 टोटल काम है। मैंने सोचा था दो तीन होंगे पर बहुत सारा एक्स्ट्रा काम निकला जो कि हम लोगों को करना पड़ा। तो हमें जो है एक चेयर के ऊपर बॉक्सेस को रख के जल्दी से भागना पड़ेगा, जिससे पहले मतलब उससे पहले अगर नेबर देख लेता है तो बहुत दिक्कत होगा। एक अजीब बात है, हम लोग नेबर के हाथों एक बार भी नहीं फंसे। वो नेबर शायद उसके घर में ही बिजी था क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा शोर किया नहीं। मतलब ये वीडियो बहुत लंबा बन गया एक मतलब ढूंढने में मुझे क्या कहां पर करना पड़ेगा, फिर भी फाइनली शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब बस हमें कूद के निकलना पड़ेगा, ये शायद इनफ होगा। यस, हम लोग जो है ट्रैम्पोलिन के ऊपर कूद चुके हैं, अब बस हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा। इतने ऊपर से अगर मैं गिरता तो मैं मर जाता एक्चुअली। ऑलराइट, तो हम लोग जो है उस श्रापित घर से फाइनली निकल चुके हैं, अब कभी हम लोग नहीं जाएंगे। एक सेकेंड, इसके घर में और भी कोई है? आर यू सीरियस, इतने टाइम तक मुझे कोई नहीं दिखा था। अब इसे इसके घर को बचाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, इसके घर में कोई बैठा था इतने टाइम तक, मुझे कोई नहीं दिखा। इसके घर में शायद बेसमेंट में और भी जगह था जिसे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। ऑलराइट गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। आई होप कि आपको गेम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेम प्लेस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।